मैं आपको दिखाऊंगा कि डाटा और ओबीबी के अंदर क्या हम लोग कोई फोल्डर नया क्रिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। और टेस्ट नंबर टू पे हम लोग क्या करेंगे, डाटा और ओबीबी के अंदर एक कोई भी फाइल को कॉपी करके देखेंगे कि क्या कोई फाइल कॉपी हो रही या नहीं हो रही। और टेस्ट नंबर थ्री में हम लोग क्या करेंगे, डाटा और ओबीबी के अंदर कोई भी एक फोल्डर को कॉपी करके देखेंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आप लोगों का मेरी इस नई वीडियो में। और इस वीडियो के अंदर मैं आज आप लोगों को दो सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। पहला सोल्यूशन तो ये होगा कि अगर आपके एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर आप लोग अपने डाटा और ओबीबी फोल्डर को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, या फिर उस फोल्डर को आप लोग कैसे भी करके एक्सेस कर लेते हो बट उसके अंदर कोई भी फाइल को कॉपी पेस्ट आप नहीं कर पा रहे हो, या फिर कोई भी नया फोल्डर क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, तो वो कैसे कर पाओगे आप, वो सारी चीजें हम लोग इसमें बात कर लेंगे। और मैं एक चीज आप लोगों को और क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि ये पूरी की पूरी जो वीडियो है ये एंड्रॉइड 11, 12, 13, 14 सब पे काम करने वाली है। तो मेक श्योर पूरी वीडियो को देखना। और जो आपको दूसरा सोल्यूशन मैं दूंगा वो दूसरा सोल्यूशन ये होगा कि अगर आप लोग जेड आर्चीवर ऐप का यूज करते हो एंड्रॉयड डाटा या फिर ओबीबी फोल्डर तक पहुंचने के लिए, बट आप लोग उसके अंदर कोई भी फाइल को कॉपी पेस्ट या फिर कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोगों को क्या करना है, वो सारी चीजें भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस कमाल की वीडियो को। तो आइए हम लोग देखते हैं अपने सोल्यूशन नंबर वन को। सोल्यूशन नंबर वन क्या है हमारा, कि अगर आपके एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर चाहे वो एंड्रॉयड 11, 12, 13, 14 कोई भी हो, अगर आप डाटा ओबीबी फोल्डर को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, या फिर डाटा ओबीबी फोल्डर को आपने कैसे भी करके एक्सेस कर लिया बट उसके अंदर कुछ भी कॉपी पेस्ट कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो आपको क्या करना है, स्टेप नंबर वन आपको लेना है। स्टेप नंबर वन क्या होगा आपका, स्टेप नंबर वन होगा प्ले स्टोर पे जाओ। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको डाउनलोड करना है जेड आर्चीवर ऐप का, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये वाला ऐप है, आप लोग इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो या तो गूगल से कर सकते हो। और अगर किसी के फ़ोन में ये ऐप पड़ा है तो मेक श्योर एक चीज़ ज़रूर चेक करो कि इस ऐप का वर्ज़न क्या है। यहाँ पे आपको ऐप इन्फॉर्मेशन के ऊपर इसका वर्ज़न देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, मेरा वर्ज़न क्या है, 1.0.9। आपके फ़ोन में मिनिमम ये वाला वर्ज़न तो होना ही चाहिए, अगर ये है तो बहुत बढ़िया है। अगर ये फ्यूचर के लोगों के लिए मैं बताऊं तो भाई आपके फ़ोन के अंदर ये वाला वर्ज़न होना चाहिए या इससे कोई भी अपडेटेड वर्ज़न होना चाहिए, तभी आपके में ये सारा काम हो पाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर स्टेप नंबर वन आप लोगों को फॉलो करना है, जेड आर्चीवर ऐप को इंस्टॉल करना है, ठीक है। अगर आपको प्ले स्टोर पर यह वर्ज़न मिल जाए तो प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल करो, नहीं तो आप इसको गूगल से भी इंस्टॉल कर सकते हो। फिलहाल आज की डेट में ये वाला वर्ज़न लेटेस्ट वर्ज़न चल रहा है, तो आप अभी भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो उसको, ठीक है। चलो, तो स्टेप नंबर वन हमारा कंप्लीट हो गया, जेड आर्चीवर को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डाउनलोड कर लिया और इंस्टॉल कर लिया। अभी स्टेप नंबर टू जो है ना, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि स्टेप नंबर टू को करे बगैर स्टेप नंबर वन जो हमने किया है वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। और जिन लोगों में जेड आर्चीवर में ये प्रॉब्लम आ रही थी कि वो डाटा ओबीबी फोल्डर को या तो एक्सेस कर लेते हैं कैसे भी, उसके अंदर कॉपी पेस्ट नहीं कर पा रहे, वो भी स्टेप नंबर टू को जैसे ही करेंगे सारी चीज़ें उनकी सॉल्व हो जाएंगी। आपको पहले मैं दिखा रहा हूँ, अभी हम लोगों ने स्टेप नंबर टू को नहीं किया है, तो क्या हम लोग अभी कुछ एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये हम लोग देख लेते हैं। जेड आर्चीवर मैंने खोला और यहाँ खोलने के बाद मैं सिंपल से एंड्रॉयड के ऊपर चला जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को डाटा और ओबीबी का फोल्डर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी हम लोगों ने स्टेप नंबर टू को नहीं परफॉर्म किया है, हम लोग स्टेप नंबर वन को ही करके चल रहे हैं। और यहाँ पर देखते हैं, ध्यान से देखो, ओबीबी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ओबीबी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही हैं। बट अगर मैं यहाँ पे कोई भी फोल्डर को क्रिएट करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कुछ एरर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे कोई भी फोल्डर अभी क्रिएट नहीं कर पा रहे, बट ये मत सोचना कि अभी नहीं कर पा रहे तो फ्यूचर में भी नहीं कर पाएंगे, वो सब हो जाएगा। अभी हम लोग डाटा फोल्डर में जाते हैं और डाटा फोल्डर के अंदर आपको एक्सेस इज डिनाइड लिख करके आ रहा है, ठीक है। तो डाटा फोल्डर भी हम लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो अभी जो स्टेप नंबर वन हमने किया उस स्टेप के अंदर हम लोग भाई कुछ भी नहीं कर पा रहे, सिर्फ जेड आर्चीवर को हमने इंस्टॉल किया है। बट अब जो स्टेप नंबर टू है उसमें आपको क्या करना है, आपको देखनी है ये वाली वीडियो, ध्यान से देखिए ये वीडियो आ रही है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप लोग अपने एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर शिजुकू को इंस्टॉल कर सकते हो। और आपको मैं एक चीज़ और बता देना चाहूँगा, ये सारा काम हम लोग नॉन रूटेड डिवाइस के ऊपर कर रहे हैं, तो रूट की भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग क्या करो, सिंपल से इस वीडियो को देखो, शिजुकू को डाउनलोड करो, शिजुकू को सेटअप कर लो अपने फ़ोन में बहुत ही अच्छे से, और शिजुकू को रनिंग मोड में ले आओ। जब आप लोगों का इतना काम हो जाएगा ना, तब आप लोग भाई जा करके कहीं डाटा और ओबीबी को बहुत ही आराम से यूज़ कर पाओगे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। मैंने अपने एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर पहले से ही शिजुकू को डाउनलोड करके रखा है और इंस्टॉल करके रखा है, तो मैं इसको सिर्फ स्टार्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओगे मैंने स्टार्ट दबाया
और स्टार्ट दबाते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, मेरा जो शिजुकू है ये बहुत ही अच्छे से स्टार्ट हो गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, यहाँ पे मेरा शिजुकू इज रनिंग भी लिख के आ चुका है। चलो बहुत बढ़िया, अभी हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से चले जाते हैं अपने जेड आर्चीवर में। ठीक है, जेड आर्चीवर में आ गए हम लोग। क्या शिजुकू रनिंग होने के बाद हम लोग डायरेक्ट यहाँ डाटा ओबीबी पे जाएंगे तो एक्सेस कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। शिजुकू जब आपका रनिंग मोड पे आ जाए ना, तब शिजुकू को आपको इसके साथ सेटअप करना है। कैसे सेटअप करोगे? आपको सिंपल से ये जो थ्री डॉट दिख रहा है ना, इस थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो सेटिंग का ऑप्शन है ना, ये जो सेटिंग का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे रूट के ऑप्शन पे जाओ। चिंता ना करो, फ़ोन रूटेड होना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे आपको बस शिजुकू को सेलेक्ट करना है। ठीक है, रूट के ऑप्शन पे क्लिक करो और यहाँ पे टाइप ऑफ रूट एक्सेस लिखा होगा, टाइप ऑफ रूट एक्सेस के ऊपर अगर SU लगाए तो उसको शिजुकू के ऊपर टिक कर दो। बहुत ही सिंपल, टाइप ऑफ रूट एक्सेस पे आपने शिजुकू को यहाँ पे लगा दिया और लगाने के बाद ये जो तीनों सेक्शन है ना, इन तीनों सेक्शन को ऑन कर देना। अब जैसे ही आप लोगों ने ऑन कर दिया ना, अब आपको सिंपल से क्या करना है, जेड आर्चीवर को बंद कर देना है, पूरी तरीके से कट कर देना है और वापस से हम लोग जेड आर्चीवर को अब यहाँ से ऑन करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, मैंने अब यहाँ से ऑन कर लिया और अभी मैं एंड्रॉयड के ऊपर जाता हूँ और उसके बाद मैं डाटा फोल्डर को सबसे पहले एक्सेस करके दिखाऊंगा। डाटा के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आप देख पाओगे कि हम लोगों को सारे फोल्डर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अभी एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाह रहा हूँ, मैं कुछ टेस्टिंग करना चाह रहा हूँ और वो टेस्टिंग हो सकता है आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो। क्या टेस्टिंग है, यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने तीन टेस्ट लिख करके रखे हैं। सबसे पहला टेस्ट है, डाटा और ओबीबी के अंदर एक फोल्डर बनाओ। मैं आपको दिखाऊंगा कि डाटा और ओबीबी के अंदर क्या हम लोग कोई फोल्डर नया क्रिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और टेस्ट नंबर टू पे हम लोग क्या करेंगे, डाटा और ओबीबी के अंदर एक कोई भी फाइल को कॉपी करके देखेंगे कि क्या कोई फाइल कॉपी हो रही या नहीं हो रही। और टेस्ट नंबर थ्री में हम लोग क्या करेंगे, डाटा और ओबीबी के अंदर कोई भी एक फोल्डर को कॉपी करके देखेंगे। तो टेस्ट नंबर थ्री जैसे ही कंप्लीट होगा तो आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये बिल्कुल जेन्युइन है और बिल्कुल वर्किंग है। ठीक है, तो आइए हम लोग टेस्ट नंबर वन पे चलते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, डाटा और ओबीबी के अंदर एक एक फोल्डर बनाना है। ठीक है, चलो मैंने यहाँ पे ध्यान से देखो क्लिक किया प्लस के आइकन पे और ये सब तभी हो पा रहा है जब मैंने शिजुकू को कनेक्ट कर रखा है अपने जेड आर्चीवर से। ठीक है, मैंने सिंपल से क्या किया, फोल्डर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे मैं अपना नाम लिख दूंगा हमजा, और नाम लिख करके मैंने ओके किया। और जैसे मैंने ओके किया, आप लोगों को यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनती हुई दिख रही होगी। आई होप सो कि आप लोगों ने डाटा के अंदर कैसे फोल्डर बनाया जाए ये चीज़ समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए मैं बैक कर लेता हूँ। और ओबीबी के अंदर आने के बाद अगर आप लोगों को भाई कोई भी फोल्डर या फिर कोई भी फाइल को क्रिएट करना है तो आपको सिंपल से क्या करना होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो थ्री डॉट दिख रहे हैं ना, इस थ्री डॉट के ऊपर आपको सिंपल से क्लिक करना है और यहाँ पे ये जो क्रिएट का सेक्शन है, ठीक है, वहाँ पे आपको नीचे सेक्शन दिख रहा था बट यहाँ पे आपको इस जगह से यूज़ करना है। क्रिएट के सेक्शन पे आप क्लिक कर दीजिए और न्यू फोल्डर के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे और जैसे कि वहाँ पे मैंने हमजा नाम से बनाया था, यहाँ पे भी मैंने हमजा नाम लिख दिया है। ठीक है, और मैं यहाँ पे सिंपल से ओके करता हूँ। जैसे मैंने ओके किया तो आप लोगों को भी यहाँ पे एक हमजा नाम से फोल्डर बना हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने जो हमारा टेस्ट नंबर वन था वो तो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया। हम लोगों ने क्या किया, एक फोल्डर डाटा के अंदर बना दिया, एक फोल्डर ओबीबी के अंदर बना दिया, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी टेस्ट नंबर टू में हम लोग चलते हैं, डाटा और ओबीबी के अंदर एक फाइल को हम लोगों को कॉपी करना है। ठीक है, तो मैं जानती हूँ क्या करूँगा, डाटा और ओबीबी के अंदर एक फाइल मैं बाहर कॉपी करके दिखाऊंगा आपको और एक फाइल मैं इसी हमजा फोल्डर के अंदर कॉपी करके दिखाऊंगा ताकि आपको ये पता चल सके कि किसी भी फोल्डर के अंदर क्या कोई भी फाइल हम लोग कॉपी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं बैक कर लेता हूँ, बैक। और मैं सिंपल से क्या करता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं इस टेक्स्ट फाइल को कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल छोटी है, इस वजह से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। ओके, मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं एंड्रॉयड के अंदर गया, डाटा के अंदर गया। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बाहर ही, ठीक है, किसी भी फोल्डर के अंदर नहीं, बाहर ही एक फाइल को मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, और जैसे ही मैंने दबाया, यहाँ पे आप देख पाओगे नीचे के साइड मेरी फाइल कॉपी हो गई है। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी मैं ओबीबी के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पे मुझे अपनी फाइल को कॉपी करके पेस्ट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, बैक कर लेता हूँ। ठीक, तो अभी मैं एक दूसरी फाइल को कॉपी कर लेता हूँ जिसको मैं ओबीबी के अंदर पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया। ठीक, एंड्रॉयड के अंदर चला जाता हूँ मैं, फिर ओबीबी के अंदर चला जाता हूँ और ओबीबी के अंदर चले जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए इस टाइप का कुछ सेक्शन देखने को मिल रहा है। सिंपल से मैंने इसके ऊपर दबाया और हमारी जो फाइल थी वो ओबीबी के अंदर बहुत ही अच्छे से पेस्ट हो गई है। ठीक है, अभी मैंने डाटा और ओबीबी दोनों के अंदर फाइल को कॉपी पेस्ट करके दिखा दिया है और मैंने क्या दिखाया आपको, किसी भी फोल्डर के अंदर मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया, बाहरी कॉपी पेस्ट किया है, बट अब हम लोग एक एक फाइल को फोल्डर के अंदर भी कॉपी पेस्ट करके देखेंगे। ठीक है, मैंने सिंपल से किया कॉपी
और कॉपी करने के बाद एंड्रॉयड में गया, डाटा के अंदर गया, और वो जो मैंने हमज़ा नाम से फोल्डर बनाया था ना, मैं उसी फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल को पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ये रहा वो फोल्डर, मैंने इसको खोला और यहाँ पे सिंपल से मैंने कर दिया है पेस्ट। ठीक है, आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, मेरी जो फाइल थी बहुत ही अच्छे से पेस्ट हो गई है ना। चलो मैंने फिर से बैक कर लिया इसको। ओके, बैक करने के बाद मैं सिंपल से क्या करता हूँ, एक और फाइल को कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद एंड्रॉयड, और इस बार ओबीबी के अंदर हमको टेस्ट करना है। हम लोग ओबीबी के अंदर गए, हमजा फोल्डर के अंदर गए, और यहाँ पे भी मैंने इस फाइल को पेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो हमारा ये जो टेस्ट नंबर टू था ना, ये भी बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो गया। मैंने आपको दिखाया डाटा और ओबीबी के अंदर हम लोग कैसे फाइल्स को भी पेस्ट कर सकते हैं। फोल्डर भी हम लोगों ने क्रिएट करना सीख लिया, फाइल्स को भी पेस्ट करना सीख लिया बहुत ही आराम से। और अभी टेस्ट नंबर थ्री में हम लोग एक एक पूरे पूरे फोल्डर को ही कॉपी करके देखेंगे कि क्या फोल्डर कॉपी हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आप लोग चिंता ना करो, मैं हर एक चीज़ आपको एकदम इन डिटेल बताऊंगा। ठीक है, मैं सिंपल से चला जाता हूँ, ये जो टर्मेक्स बॉक्स है ना, इस फोल्डर को मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद सिंपल से मैं डाटा फोल्डर के अंदर पहले इसको पेस्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं डाटा फोल्डर के अंदर गया, मैंने सिंपल से पेस्ट दबाया, और पेस्ट दबाते यहाँ पे आप लोग देख पाओगे हमारा जो टर्मेक्स बॉक्स था, ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पे पेस्ट हो गया। ठीक है, मैं फिलहाल बैक कर लेता हूँ, और बैक करने के बाद अभी मैं दूसरा एक फोल्डर उठा लेता हूँ। ठीक है, ये वाला रिंगटोन का फोल्डर मैंने कर लिया सिंपल से यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद एंड्रॉयड में आया, ओबीबी में आया, और इस फोल्डर को मैं ओबीबी के अंदर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, मैंने सिंपल से यहाँ पे दबाया, और आप लोगों को यहाँ पे रिंगटोन का फोल्डर भी देखने को मिल गया है। चलो बहुत बढ़िया, आई होप सो इस वीडियो को देखने के बाद में आपके दिमाग से जो डाटा और ओबीबी का डर था ना, कि भैया कोई भी फाइल फोल्डर कुछ भी कॉपी नहीं कर पा रहा हूँ, और कुछ लोग ये कहते थे कि डाटा ओबीबी एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, वो सब दूर हो गया होगा। बट मेक श्योर जो स्टेप नंबर टू है मेरा, समझ रहे हो ना, जो स्टेप नंबर टू है वो बहुत ही ज़्यादा मेन है। स्टेप नंबर वन तो मेन है ही है, वो जो वर्ज़न मैंने तुम्हें देखने को बोला, वर्ज़न वही वाला डाउनलोड करना या उससे ऊपर का डाउनलोड करना, स्टेप नंबर वन तो मेन है ही है। बहुत धन्यवाद, स्टेप नंबर टू भी बहुत ज़्यादा मेन है। अगर आपने दोनों स्टेप को बहुत ही अच्छे से पूरा कर लिया है, तो आपको डाटा और ओबीबी फोल्डर के साथ छेड़खानी करने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप उसके अंदर फाइल क्रिएट कीजिए, फोल्डर क्रिएट कीजिए, या कुछ भी कॉपी पेस्ट कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में।